ये देखो सफाई भी कर ली मैंने, बेडशीट बदल दी और ये तख्त की चादर भी बदल दी। ये देखो हो गई हमारी सफाई सुथराई। सफाई हो गई, लगता है कि हमने काम कुछ कर लिया, वरना लगता है। और देखो ऊपर के कमरे की भी सफाई कर दी मैंने, बस मैं तो इसी में ही थक जाती हूँ, सफाई सफाई में ही। फिर मेरा ऐसा हो जाए जैसे तेरी जान में जान नहीं रही। ये मेरा ऊपर का कमरा है और वो है नीचे का कमरा। तो बस अब मैंने सफाई भी कर दी यहाँ के, कपड़े मैं धो कर लाई थी, उन्हें कपड़ों को भी मैंने, क्योंकि ऊपर ही फैलते हैं कपड़े, तो कपड़े भी मैंने देखो ये हो गया हमारा मलाई से मक्खन बन के तैयार। देखो कितना अच्छा हो गया। बस मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ। देखो ये है, कहाँ से? चलो शायद मेरे साथ ही मिलोगे फिर। कितने बड़े बड़े खरगोश? कितने दिन का बच्चा है खरगोश का? ये नहीं, कितने दिनों का है ये? 1.5 महीने का है। हाँ 1.5 महीने का है खरगोश का बच्चा। हाय हाय देखो कितने सारे बच्चे। पप्पू को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पप्पू को लाइक करो, लाइक। चलो इसका नाम है मोटू। इसे ही मिलो मेरे बच्चे से। इधर बच्चा है मोटू है। अच्छा ये बहुत मोटा है। फूफो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखो ये सूट मैंने सी लिया था, इसको मैंने रेडी कर लिया था देखो, और मैंने दिखाया नहीं था आप लोगों को जब सिल ही रहा था। ये मेरा कमीज सिल के तैयार हो गई थी, तुरपाई से भी आ गई थी, और ये मैंने ये भी सी लिया था पेंट प्लाजो। और ये अब दुपट्टा इसका, ये बगैर दुपट्टे का सूट थे, दुपट्टा इसका आया नहीं था। मैं चाह रही ये वाला मैच कर जाए इस पर, तो ये थोड़ा मैच कर नहीं रहा है इस पर। चलो हम सोच रहे हैं घर में पहनने का तो है, चलो इसी से काम चला लेंगे। तो बस ये मैंने सूट दिखाया नहीं था आप लोगों को, इसलिए दिखा रही हूँ। और कपड़ा मैंने रमज़ान में कोई भी सिया नहीं, मशीन मैंने ज़्यादा चलाई नहीं, क्योंकि फिर है ना इबादत में कर लाए, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। बस अब की बात तो मैंने रोज़े ही रखे, कोई और ऐसा काम फालतू किया नहीं। फिर करेंगे इंशाल्लाह। अब थोड़े दिन रह गए बस, आज है 24वां रोज़ा। तो चलिए तो दूध तो गर्म मैंने कर ही लिया था, दूध वाला दूध कम देकर गया। चलो खैर कोई बात नहीं, और है ना अब मैं शाम के काम में लगूँगी बस। और ये पपीता देखो, पपीता भी आज पूरा पक्का नहीं है, या तो ऐसा आएंगे कि बिल्कुल ही गले वाले से आएंगे, या ऐसा आएगा। ये यहाँ से तो है कहीं तरह से नहीं, ग्रीन ग्रीन सा है ये। देखो जो दूसरा है वो रख दूँगी, उसको कागज़ में लपेट के रख दूँगी, कल को इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चलो इसे रख देते हैं ऐसे लपेट के कागज़ में। तो बस अब शाम के बनाने में देखेंगे, जो बनाएंगे आपके साथ बनाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को क्या बनेगा। बस अब चलो जी, ये नहीं खाते पापड़, जो चीज़ हमारा आ जाए वो सब इसी तरह वेस्ट जाती है। ये पापड़ थे ये नहीं खाते, मैं एक आधा खा लूँगी, एक आधा पापड़। अब उस रोज मुझे अच्छा लगा ये भी ले लेते, मैंने इतने सारे पापड़ हैं ये भी नहीं खाए जाते, और क्या खाएँगे। बच्चों के घर में तो सब चीज़ें यूज़ होती हैं, यहाँ तो कुछ नहीं। तो चलो जी बस फिर मिलेंगे, जोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली, अब मिलती हूँ मैं आपसे असर के टाइम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो देखो आज है 24वां रोज़ा और ये आखिरी अशरा चल रहा है, तो बस इसमें ज़्यादा लैलतुल क़द्र होती हैं, अल्लाह ताला हमें इबादत करने की तौफीक दे। तो ये है ना ये वाला जोशरा है, तो ये इबादत का है, इसमें बहुत सारी इबादत करो तो अल्लाह ताला कबूल करेगा, ऐसी बात नहीं है।
तो उससे मांगते रहें तो वो अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, देने वाला है, वही देने वाला है, वही सुनने वाला है। अल्लाह ताला तू सबकी दुआओं को कबूल करना, सबके साथ मेरी भी दुआओं को कबूल करना। तो बस यही है, रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पूरे जा रहे हैं। तबीयत मेरी ख़राब भी हुई लेकिन मैंने रोज़ा कज़ा नहीं किया अपना, मेरा दिल ही नहीं चाहा, कहा भी कर चलो रोज़ा मत रखो, भाई भी कहने लगे, इसके पापा भी कहने लगे चलो ना। मैंने कहा ना, रोज़ा मैं छोड़ने की नहीं, मैं तो रोज़े अपने सारे रखूँगी और दवा बस खा लेती हूँ सुबह शाम, लेकिन मैं अपना रोज़ा कज़ा नहीं कर रही। अल्लाह ताला मेरे पूरे करा दीजिए। और प्लीज़ आप लोग भी दुआ करना कि मेरे रोज़े पूरे हो जाएँ, क्योंकि आज 24 तो हो ही जाएँगे शाम तक, तो बस यही है पूरे रोज़े हो जाएँ। कितना दिल लगता है, अब शाम को आके ऐसा हो जाता है मेरा कि मुझे इतनी कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है। देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि इतनी कमज़ोरी है मेरे अंदर, लेकिन शाम में तो बस बहुत ज़्यादा हो जाती है, महसूस होता है मुझे। तो चलो कोई बात नहीं, इसी को कबूल कर ले अल्लाह ताला, बस यही सच्चे दिल से दुआ है सबके लिए। अल्लाह ताला तू सबकी दुआओं को सुनना, सबके साथ में मेरी भी दुआओं को कबूल करना। तो कल तो मम्मी के पास चली गई थी, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इधर ही आई हुई थी छोटे भाई की तरफ, फिर वो क्या कहते हैं उधर चली गई, उनकी तबीयत अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। फिर परसों रात को डॉक्टर को ही लेके आए, उनके इंजेक्शन लगाए डॉक्टर ने, तो फिर मेरा दिल इतना घबराया कि मैं अम्मी के पास चले जाऊँ। तो मैं जो गई, अम्मी लेटी, छोटी भाभी कहने लगी बाजी अम्मी के तो 1 बजे से, और मेरी बिल्कुल 1 बजे आँख खुली, और ऐसा दिल घबराया मेरा क्या बताऊँ। तो फिर मैं सुबह सब कुछ काम छोड़ के कल अम्मी के पास गई, देखा तो बस लेटी। मैंने कहा अम्मी मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा था, खैर मुझे देख के उठी, कहने लगी चुटिया बांध दो मेरी, मैंने चुटिया बांधी उनकी। और बस फिर मैं बहुत देर तक रही अम्मी के पास, तो क्या कहते मेरा बस ऐसा ही रहा कि मतलब मेरी अम्मी को अच्छा कर दो, बस पता नहीं क्या हो गया मेरी अम्मी को। प्लीज़ आप लोग भी दुआ करिएगा, बहुत ही कमज़ोर हैं, तो उनसे खाया पिया नहीं जाता। और इधर आई हुई थी तो मैं बस 1 मिनट में अम्मी के पास चली जाती थी, अब वो भाभी हूँ कहेंगी कि आई नहीं कल उधर चली गई थी, फिर बस थकन सी हो जाए, फिर घर का भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए अब इंशाल्लाह थोड़ा सा काम है, कपड़ों से निमट जाऊँ, कपड़े धो के और फिर जाऊँगी, बस 2-4 ही हैं, ज़्यादा तो हैं भी नहीं कपड़े। और बस शहरी में भी मुलाकात नहीं हो पाई मेरी आप लोगों से, फिर उसके बाद भी नहीं, तो अब 11:30 बजे बात हो रही है, मिलूँगी इंशाल्लाह फिर जोहर के वक्त आप लोगों से। तो जब तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, और प्लीज़ मेरे वीडियो को देख के लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो और फॉलो किया करो, और है ना, फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।